जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स, अभी आपने जो मूवी देखी है, जो फिल्म देखी है, उसमें कस्टम्स के काफ़ी सारे प्रोविजंस कवर हो गए। इवन यहाँ तक कि आपकी बुक में जो चैप्टर है, हम यूँ कह सकते हैं कि उसमें से 4 to 5 चैप्टर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो चुके उसके अंदर। अब इस कस्टम्स एक्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कस्टम्स एक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो CA फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक है वैल्यूएशन चैप्टर, बराबर चैप्टर नंबर 4 आपके होगा मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन। एक आपके इसमें इंपॉर्टेंट है वेयरहाउसिंग, चैप्टर नंबर 7, जो इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनरली नहीं बट इस बार क्योंकि इसमें अमेंडमेंट काफी हुए हैं। एक है चैप्टर नंबर 8 ड्यूटी ड्रॉबैक, चैप्टर नंबर 9 बैगेज और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चैप्टर 11, और कुछ प्रोविजन चैप्टर 3 के हैं, उनके कुछ प्रोविजंस, बाकी के इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके CA फाइनल और CS फाइनल दोनों के लिए। CS में जरूर चैप्टर 6 ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, और CS में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं यहां पर। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके पास में जो भी बुक्स है, मटेरियल जो भी दिया है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम्स, बराबर। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, जो हमने वीडियो में देखा मैक्सिमम चीजें कवर होगी। जैसे पेज नंबर 2 है बैकग्राउंड ऑफ कस्टम्स लॉ, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, जब हमने एक्सरसाइज शुरू किया था उसी में। कस्टम्स ड्यूटी, सोर्स ऑफ कस्टम्स लॉ, सोर्स ऑफ कस्टम्स लॉ में ये बोलते हैं द कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम्स एक्ट 1962, उसमें कस्टम्स के प्रोविजन बने हुए हैं। और एक है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम्स टैरिफ एक्ट, टैरिफ का मतलब क्या होता है, रेट। तो कस्टम्स एक्ट में जो भी रेट चार्ज होगी, रेट ऑफ ड्यूटी, जो भी रेट एप्लीकेबल होगी, कौन कितने तरह की ड्यूटीज लगेगी, कौन से सेक्शंस में लगेगी, उन सब का एक्सप्लेनेशन टैरिफ एक्ट में है हमारे यहाँ पर, बराबर। उसके अलावा रूल्स रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन जो टाइम टाइम पर इशू होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, वो सब काम के। तो ये सब सिर्फ जस्ट एक रीडिंग के लिए आपके लिए सफिशियंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आ जाओ चैप्टर नंबर, पेज नंबर 3 पर, चैप्टर 1 का टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इधर देखो ना, पेज नंबर 3 जो है उस पर देखो, टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट की डेफिनेशन, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, फिर नीचे इंडिया की डेफिनेशन। ये जो चैप्टर आपका, ये पूरा चैप्टर सिर्फ डेफिनेशन के लिए ही है, 3 पेज का चैप्टर है, तो ये डेफिनेशन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। ये इसलिए आपको बुक का पेज दिखाया जा रहा है, किसी के पास पुरानी बुक हो तो पेज नंबर 1-2 पेज ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको आइडिया लगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट में पहला है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या होता है वो समझना। आपने वीडियो देखा, जब कोई भी गुड्स जो है, कोई भी शिप 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होता है, तब इंपोर्ट शुरू होता है, बराबर। इधर देखना, ये पीछे शिप है, ये शिप जब 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होगा, किसमें, 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होगा, और वो 12 नॉटिकल माइल्स कौन से, फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स बोलो तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर, उसमें जब एंटर होगा ITW में, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में, तब इंपोर्ट शुरू होता है। उसके बाद वो पोर्ट पर उतरा तब भी उसको इंपोर्ट माना जाएगा, कस्टोडियन की कस्टडी में तब भी इंपोर्ट माना जाएगा। मालूम है आपने वीडियो में देखा, विश्वास राव, विश्वास देसाई, तो जो विश्वास भाई थे उनकी कस्टडी में माल रखा हुआ था, तो उसको इंपोर्टेड गुड्स ही बोला जाएगा, वो इंपोर्ट है। लेकिन जब उन पर मिस्टर भावेश वाघेला ने ड्यूटी पे करके रिमूव कर दिया, या अमित राजपुरोहित के जो पार्टनर आए थे उन्होंने ड्यूटी पे करके गुड्स को रिमूव कर दिया, तो जिस दिन आप ड्यूटी पे कर देते हो उस दिन से वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं, वो डोमेस्टिक गुड्स कहलाता है। तो इसका मतलब इंपोर्ट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक उस पर ड्यूटी पे नहीं कर दी जाए। ड्यूटी पे करने के बाद इंपोर्ट कंक्लूड हो जाता है और वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक गुड्स। सेम वैसे ही एक्सपोर्ट क्या होता है, मान लो मेरे को कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना है, मान लेते हैं कि ये गुड्स मुझे एक्सपोर्ट करना है, ये जो गुड्स मुझे एक्सपोर्ट करना है इसको मैं ले जाकर के कस्टम अथॉरिटी को देता हूं, ये कस्टम अथॉरिटी है, कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स अथॉरिटी को देता हूं। कस्टम्स अथॉरिटी जो है, जैसे उनके हैंड ओवर करूंगा माल को, वहां से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, और जब वो वेसल्स 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर लेगा, 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर लेगा,
तब एक्सपोर्ट कंक्लूड हो जाएगा। बट यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, क्या इंपोर्ट के लिए 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होगा तो ही इंपोर्ट होगा कि और भी कोई कंडीशन है? इंपोर्ट के लिए कंडीशन होती है कि गुड्स आपने आउटसाइड इंडिया से परचेज किया हो या मंगवाया हो, बराबर है। और एक्सपोर्ट के लिए कंडीशन होती है कि गुड्स इंडिया से निकला हो और आउटसाइड इंडिया मतलब कोई कंट्री अदर देन इंडिया उसको डिलीवर किया गया या वहां पे उसका डेस्टिनेशन हो गुड्स का। इसका मतलब अगर कांडला पोर्ट से गुड्स निकलता है और वो चेन्नई जाता है, वो गुड्स अगर 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होता है और फिर बाद में 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होता है, भाई शिप किससे जाएगा? शिप के थ्रू जा रहा है तो 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस किया, फिर उसने 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करने के बाद घूम करके कन्याकुमारी होता हुआ वो शिप जो है वापस चेन्नई जाता है और चेन्नई पोर्ट पर जब वो पहुंचेगा तो वो वापस 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होगा। इंडियन टेरिटोरियल वाटर पहले क्रॉस किया फिर इंडियन टेरिटोरियल वाटर में शिप एंटर हुआ, इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि गुड्स का जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया ही है, इंडिया के बाहर नहीं। तो एक्सपोर्ट के लिए गुड्स का डेस्टिनेशन भी आउटसाइड इंडिया होना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इंपोर्ट के डेफिनेशन आते हैं, ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज गुड्स अंडर कस्टडी ऑफ कस्टम्स, इट इज कंक्लूडेड ओनली ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक्सपोर्ट में इट बिगिंस व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड फॉर एक्सपोर्ट, मैंने जब एक्सपोर्ट के लिए दे दिया था गुड्स को, इट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज गुड्स आर विद इन टेरिटोरियल वाटर, एक्सपोर्ट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन गुड्स हैव क्रॉस्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इसका मतलब समझना, यहां से एक शिप रवाना होता है या एक स्टीमर रवाना होता है बांग्लादेश के लिए, बट 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस ही नहीं हुआ, उससे पहले वो डूब गया। वापस एक एग्जांपल सुनो, ये गुड्स है, ये कस्टम अथॉरिटी को मैंने दिया बांग्लादेश भेजना है, स्टीमर से जा रहा था माल, स्टीमर ने 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस नहीं किए, तो जब मैंने कस्टम अथॉरिटी को दिया तो एक्सपोर्ट तो शुरू हो गया था बट 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होने से पहले स्टीमर डूब गया, तो इसका मतलब गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर ही नहीं पाया, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट कंक्लूड हुआ ही नहीं, यहां पर एक्सपोर्ट अभी तक नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो रिबेट देती है, कुछ सब्सिडी देती है, यहां पर मुझे कोई सब्सिडी या रिबेट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा माल एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, उसने 12 नॉटिकल माइल्स मतलब फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं किया। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंडिया क्या है, ये भी हमने वीडियो में देखा, इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इन सी। अब जो 200 नॉटिकल माइल्स ये सी दिख रहा है समुद्र मेरे पीछे, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया कहां से, कोस्ट लाइन से। अब उसमें फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स को हम क्या बोलते हैं, इधर देखो, फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स और फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स दोनों को मिलाकर के बनता है कस्टम्स वाटर। क्या बनता है? कस्टम्स वाटर। उसके बाद का जो है कौन सा, नेक्स्ट 176 नॉटिकल माइल्स, वो क्या कहलाता है आपके, एक्सक्लूसिव इंडियन इकोनॉमिक जोन। कोई भी शिप जो है वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर होता है तो इंपोर्ट शुरू होता है, बट नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स जो है वहां पर कस्टम सेक्ट के कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते सिवाय सास के, SAS, एस बोले तो सर्च, ए बोले तो अरेस्ट और एस बोले तो सीज, बराबर है। और उसके बाद 176 नॉटिकल माइल्स में तो कस्टम सेक्ट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है, बराबर। तो यही लिखा है आपके इसमें पेज नंबर 3 में, इंडिया में इंडियन कस्टम्स वाटर और इंडियन टेरिटोरियल वाटर की डेफिनेशन आपको खुद को पढ़नी है बुक में से। नेक्स्ट आते हैं गुड्स, पेज नंबर 4 पे गुड्स की डेफिनेशन आती है कि गुड्स क्या होता है। अब इधर देखना, इन्होंने गुड्स क्या क्या बोला है। पहला, कोई भी एयरक्राफ्ट दिख रहा है, एयरक्राफ्ट वेसल्स, बराबर। तो एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड व्हीकल्स, फरारी गाड़ी दिख रही है, एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड व्हीकल्स, ये गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे। दूसरा, इन्होंने क्या बोला यहां पर, बैगेज। अगर कोई आदमी फॉरेन कंट्री में जाता है या फॉरेन से इंडिया में आता है तो आपका जो बैगेज है, बिलोंगिंग, सामान वो लेकर के जाता है, वो भी गुड्स कहलाएगा, बराबर है। तो ये देखो, ये पर्सन अपना सामान लेकर के जा रहा है, ये बैगेज, बराबर। नेक्स्ट, उसके बाद स्टोर्स मतलब खाने पीने के सामान, फ्यूल वगैरह। तो इधर देखो, शिप पे जो ये खाने पीने के सामान है दिख रहा है पीछे, फ्यूल दिख रहा है, तो फ्यूल, खाने पीने के सामान, लाइफ जैकेट्स दिख रही है, ये सब जो है
ये सब क्या कहलाते हैं आपके स्टोर्स कहलाते हैं जो शिप में होते हैं। दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड्स नहीं मान, वैसे डेफिनेशन में बोला गया गुड्स है बट इस पर कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकते। क्यों सर? क्योंकि इस पर एप्लीकेबल होते हैं फेमा के प्रोविजन, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो आपने अलाइड लॉ में पढ़ा होगा हर्ष कचालिया सर की क्लासेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं लास्ट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी बना दी जाए तो इसमें कितने बड़े हंगामे हो सकते हैं देखना, वन बाय वन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कस्टम्स ऑफिसर हूं, मैं कस्टम्स ऑफिसर हूं और एक शिप इंडिया आता है और पैसेंजर्स को, जो पैसेंजर्स है वो शिप से उतरते हैं, वो बोर्डिंग स्टेशन की तरफ चले जाएंगे, पैसेंजर्स तो सारे के सारे वो बोर्डिंग स्टेशन की तरफ चले गए, गुड्स उतर करके कस्टम एरिया में रख दिया गया कस्टोडियन की कस्टडी में, बट मैंने शिप के कैप्टन को पकड़ लिया। मैंने कहा शिप के कैप्टन को, मैंने बोला सर इस शिप का इंचार्ज कौन है? कैप्टन ने बोला सर मैं इंचार्ज हूं। मैंने कहा बॉस ड्यूटी पे करो। बोले मैं ड्यूटी क्यों पे करूंगा? मैंने कहा क्यों आप ड्यूटी क्यों पे नहीं करोगे? हमारा एक्ट में लिखा है कोई भी वेसल्स एयरक्राफ्ट व्हीकल्स ही गुड्स होते हैं, तो आपका शिप भी तो गुड्स है और इसने 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर एंटर हो गया इंडियन टेरिटोरियल वाटर में, तो इंपोर्ट शुरू हो गया, ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी आपको। उसने बोला वो तो मैं वापस लेकर के जाऊंगा शिप। मैंने कहा तब का तब देखेंगे, अभी तो ड्यूटी पे करो। उस बेचारे ने ड्यूटी पे की। उसके बाद जब वो शिप ले जाने लगा मैंने कहा थांबा थांबा बहुत हो गया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करो। एक्सपोर्ट ड्यूटी? मैंने कहा आपको शायद नहीं मालूम है कि हमारे कस्टम्स एक्ट में ऐसा लिखा है कोई भी गुड्स इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी पे करते हैं, उसके बाद वो डोमेस्टिक गुड्स बन जाता है, फिर डोमेस्टिक गुड्स जब वापस 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करके जाएगा तो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन पे करेगा? पे करनी चाहिए ना आपको। अब यहां पर टेंशन में कौन? शिप का इंचार्ज। बोले अगर चार कंट्री से गुजरा तो जितना शिप की कीमत नहीं उतने की तो ड्यूटी लग जाएगी मेरे। तब उन्होंने फोन किया, बोले फिनांस मिनिस्टर को, बोले क्या प्रोविजन बना है? फिनांस मिनिस्टर ने बोला मिस्टर गौड क्या हो रहा है? मैंने कहा सर मैं क्या करूं, जो डेफिनेशन में लिखा वही है। बोले डेफिनेशन को प्रॉपर रीड करो। मैंने कहा मतलब सर? बोले आपने सब ऊपर की हेडिंग पढ़ ली, अंदर का मैटर भी तो पढ़ो। मैंने कहा अंदर का मैटर? बोले हाँ। मैंने कहा अभी देखता हूं। मैंने अंदर का मैटर देखा तो पता है क्या था कि कोई भी एयरक्राफ्ट वेसल्स व्हीकल्स जो परमानेंट इंडिया आते हैं वही गुड्स है। इसका मतलब जो पैसेंजर्स के एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग के लिए आ रहे हैं एयरक्राफ्ट वेसल्स व्हीकल्स या गुड्स के लोडिंग अनलोडिंग के लिए आ रहे हैं उनको गुड्स नहीं माना जाएगा। ओके, तो उन पे ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। दूसरा होता बैगेज। बैगेज के केस में तो बड़ा इश्यू हो गया मेरे, क्या कस्टम्स ऑफिसर और विराट कोहली जो है टेस्ट मैच खेलने के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा था, मैंने तो विराट कोहली को रोक लिया। यू नो विराट कोहली ये रहा, मैंने विराट कोहली को रोक लिया। मैंने कहा मिस्टर कोहली आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, पहले मुझे आपका बैग चेक करना। मैंने बैग उठाया, मैंने कहा क्या बात है? बैट, ये बैट दिख रहा है आपको? विराट कोहली का बैट। तो विराट कोहली का बैट, विराट कोहली के ग्लव्स, विकेट कीपर वाले ग्लव्स नहीं, कौन से बैट्समैन के ग्लव्स वो, विराट कोहली के जो सूट वगैरह वो। मैंने कहा सर इनकी कीमत कितनी होगी? बोला सर होगी 10-12 लाख के करीब। मैंने कहा लाओ एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करो, क्योंकि आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं तो ये सब 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होंगे, मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेंगे, तो सर बैगेज जो होता है वो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, ये आपका बैगेज मतलब बिलोंगिंग्स है, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वो टेंशन में आ गया, बोले ठीक है एक बार दे दी उसने। वापस जब विराट कोहली जी वापस जब आ रहे थे तो मिस्टर कोहली ने बोला कि सर अब जाओ। मैंने कहा नहीं सर अब आए हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी तो लगेगी उन पर। बोले सर नेक्स्ट टाइम से इंडिया में ही क्रिकेट मैच हो तो ही हम खेलेंगे, आउटसाइड इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि आने जाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करते करते हालत खराब हो जाएगी हमारी। वापस डिपार्टमेंट वालों ने बोला मिस्टर गौड़ क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा सर डेफिनेशन डेफिनेशन। बोले अंदर का पूरा मैटर पढ़ा? मैंने कहा नहीं सर। बोले पहले पूरा रीड करो। मैंने कहा ओके सर। फिर अंदर का मैटर मैंने रीड किया, उसमें क्या लिखा था, बिलोंगिंग्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता बोनाफाइड बैगेज, एक अदर देन बोनाफाइड बैगेज, अदर्स। बोनाफाइड बैगेज जो रेगुलर यूज की चीजें होती है,
जैसे आपकी घड़ी हो गया, आपका चश्मा हो गया, मोबाइल हो गया, जो आप रेगुलरली यूज करो, शूज, कपड़े वगैरह, उन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होती है बराबर, ना जाते वक्त ना आते वक्त। बट जो अदर देन बोनाफाइड बैगेज हैं उन पे ड्यूटी चार्ज होगी। जैसे मैं फॉरेन कंट्री में गया या विराट कोहली फॉरेन कंट्री में गए, वहां से कुछ ज्वेलरी वगैरह परचेज करके लेकर गए, उन पे ड्यूटी चार्ज होगी। बट उसमें कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, वो कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होता है वो हम पढ़ेंगे बैगेज चैप्टर के अंदर बराबर। पूरे पे ड्यूटी चार्ज नहीं होती, कुछ एग्जम्पशन मिलता है, वो हम किसमें पढ़ेंगे बैगेज चैप्टर में। उसके बाद आता है स्टोर्स। स्टोर्स होता है खाने पीने के सामान वगैरह जो होते हैं, फ्यूल वगैरह शिप में होते हैं, लाइफ जैकेट्स होते हैं, वो सब स्टोर्स है, उनको भी गुड्स माना जाएगा। सर वो भी ड्यूटी चार्ज होगी? नहीं, इसके सारे प्रोविजंस डिटेल में पढ़ेंगे स्टोर्स चैप्टर में हम, जो बैगेज के साथ में होगा। खाली अभी इतना याद रखो कि वो गुड्स कहलाते हैं, ओके। और एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आया? नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज नंबर 5, उसमें आपके कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है। ये डेफिनेशंस आपको खुद को पढ़नी है बराबर है। तो ये जो डेफिनेशंस है ये हमने एक्चुअली वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आपको सिंपल में बता देता हूँ कि डेफिनेशंस ये वाली ड्यूटी, इंपोर्ट, इंपोर्टेड गुड्स, बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टेड गुड्स, ये सब क्या होता है ये अभी हमने डिस्कस किया वीडियो में, देखा वही सब है। खाली लास्ट की जो डेफिनेशन है बिल ऑफ एक्सपोर्ट और शिपिंग बिल, वो क्या होता है? जब कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं हम, कोई गुड्स क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे हम, उस वक्त जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है, जैसे इंपोर्ट करने पर बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, तो एक्सपोर्ट करने पर बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया जाता है। जब कोई भी गुड्स लैंड रूट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसके थ्रू? लैंड रूट के थ्रू। बट शिपिंग बिल फाइल किया जाता है जब कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो बाई एयरक्राफ्ट या वेसल्स के थ्रू बराबर। तो बाई एयर या बाई वेसल्स अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है तब शिपिंग बिल यूज होता है, शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। और अगर लैंड रूट के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे ट्रक से जाएगा कब, जैसे नेपाल भेजना हो माल, भूटान भेजना हो, बांग्लादेश भेजना हो या पाकिस्तान भेजना हो, तो वो जो एक्सपोर्ट होता है वो कई बार लैंड रूट के थ्रू भी होता है बराबर है। और लैंड रूट के थ्रू जब एक्सपोर्ट होता है तो वहां पर एयरपोर्ट या कस्टम्स पोर्ट नहीं, लैंड कस्टम्स स्टेशन बने होते हैं, लैंड कस्टम्स स्टेशन, वहीं पे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती है। तो उस वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है वो शिपिंग बिल नहीं होता, होता बिल ऑफ एक्सपोर्ट बराबर है। तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट एंड शिपिंग बिल, ये आपको मालूम चल गया। उसके नीचे फिर आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। सर गुड्स तो अभी हमने पढ़े, अब वो तो हमने पढ़े गुड्स होता क्या है, अब टाइप्स ऑफ गुड्स है। प्रोहिबिटेड गुड्स किसको बोलते हैं, नोटिफाइड गुड्स किसको बोलते हैं, स्पेसिफाइड गुड्स किसको बोलते हैं, ट्रांजिट गुड्स क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होता है, कोस्टल गुड्स क्या होता है। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर आ सकती है। देखो सबसे पहले प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं ध्यान से सुनना। प्रोहिबिटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रोहिबिटेड गुड्स को ना तो एक्सपोर्ट किया जा सकता, ना ही इंपोर्ट किया जा सकता, ना तो गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ सकते हैं और ना ही इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा सकते हैं, वो कहलाते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स। सर ये प्रोहिबिटेड गुड्स और क्या होते हैं, या कोई भी ऐसे गुड्स जिनको बिना लाइसेंस के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, मना कर रखा, इलीगल माना जाएगा। अब अगर उन गुड्स को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो जो प्रोहिबिटेड गुड्स है, तो याद रखना उनको स्मगलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मगलिंग, ओके। पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, रात को 12 बजे स्टीमर से सोना उतरने वाला है मड़ा आइलैंड पे बराबर है। तो उस वक्त क्या, वो सब स्मगलिंग का माल होता है, क्योंकि बिना लाइसेंस के इनको लाना करना अलाउ नहीं है, तो वो सब क्या हो गया, प्रोहिबिटेड गुड्स। अब ये प्रोहिबिशन कई रीजन की वजह से लगाए जा सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट बना हुआ हमारे बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट बना हुआ है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ में अग्रीमेंट है कि ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो नहीं कर सकते हैं। या हमारे यहाँ पर जो है आपके, जैसे किसी चीज़ को लेकर, जैसा बर्ड फ्लू नाम सुना होगा आपने, बीमारी आई थी, तो हमने क्या है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो चिकन का है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद कर दिया था उस वक्त हमने बराबर है। तो उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो क्या था कि पूरा मना कर दिया, ना एक्सपोर्ट कर सकते हो ना इंपोर्ट कर सकते हो चिकन, वो क्या हो गया आपके एक तरह से प्रोहिबिटेड गुड्स। तो प्रोहिबिटेड गुड्स कई रीजन की वजह से हो सकता है। तो इसमें जो प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन है आपके सेक्शन 11 में नीचे, उसमें देखो रीजन दिए गए उन्होंने, सच प्रोहिबिशन मे बी बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, एनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट,
प्रिवेंटिंग ऑफ स्मगलिंग, इन सबको रोकने करने के लिए। तो ये रीजन वगैरह ये सिर्फ आप एक रीड कर लेना, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में खाली डेफिनेशन आएगी क्यों होता है, किस लिए लगाया जाता है, ये जरूरी नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पेज पे आपका आता है स्पेसिफाइड गुड्स। अब स्पेसिफाइड गुड्स क्या है देखना, स्पेसिफाइड गुड्स सेक्शन 11 से सेक्शन 11H टू सेक्शन 11M के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। वो क्या कहता है, स्पेसिफाइड गुड्स वो गुड्स है जिनको इंपोर्ट किया जा सकता है बट एक्सपोर्ट नॉट अलाउड। सर ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहां पर, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो छोटा सा एग्जाम्पल ये दोस्तों कि इंडिया में किसी प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट एक्स मान लेते हैं, ये प्रोडक्ट एक्स है, या एक छोटा सा शुगर का ले लेते चलो बराबर, सिर्फ एग्जाम्पल है, शुगर जो है उसकी कमी है इंडिया में, इंडिया में शुगर जो है, शुगर दिख रही है पीछे, ये शुगर जो है इंडिया में बहुत ही कम बनती है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, जो शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं वो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि उनको डॉलर में पैसा मिलेगा, बराबर है। और फिर इंडियन गवर्नमेंट को जब शुगर की जरूरत होती है, इंडियन पब्लिक को शुगर की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो महंगे दामों में वही शुगर वापस हम इम्पोर्ट भी करते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उनको मालूम है कि इंडिया में इस चीज की जरूरत है फिर भी एक्सपोर्ट कर देंगे, उनको सीधा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस गुड्स को स्पेसिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर देगी कि शुगर आज के बाद जो है इंपोर्ट की जा सकती है बट एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती है। तो स्पेसिफाइड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको इंपोर्ट किया जा सकता बट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ कर सकते हो एक्सपोर्ट बट पैटी क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी में कर सकते हो, ज्यादा नहीं। जैसे मेरा कोई ब्रदर या मेरा कोई भाई है फॉरेन में पढ़ता है, मैं उससे मिलने गया तो चलो थोड़ा सा सामान लेकर के चला गया, वो चला गया, कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए जिसमें ट्रेडिंग होती हो, उस लेवल की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके स्पेसिफाइड गुड्स के बाद नोटिफाइड गुड्स। क्या है नोटिफाइड गुड्स, अब ये नोटिफाइड गुड्स क्या होता है, क्वेश्चन ये है, जिसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते बट एक्सपोर्ट अलाउ है। सर ये कब होता है, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेते हैं, ये कस्टम्स ऑफिसर है और मैं एक इंपोर्टर हूं जो माल को इंपोर्ट करता हूं। मान लेते हैं मैं प्रोडक्ट एक्स इंपोर्ट करता हूं, एक्स प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं, मैं प्रोडक्ट एक्स इंपोर्ट करता हूं और कस्टम ऑफिसर जो है उनको इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि महेश गुड जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता ना वो इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों, क्योंकि बोले कि वो प्रोडक्ट चलो एक छोटा सा एग्जांपल का लाइव एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो मार्कर है मैं फॉरेन से इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट करने के बाद जब इन मार्कर को मैं इंडिया में बेचूंगा, सेल करूंगा, तो मैं बेचता हूं 5 रुपए में एक मार्कर, जबकि इंडियन इंडस्ट्री जो मार्कर बनाती है वो 12 रुपीज या 15 रुपीज में सेल होता है, तो मेरे मार्कर सस्ते होंगे जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो उससे इंडियन इंडस्ट्री तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लोग मेरे ही मार्कर खरीदेंगे, इंडिया वाले मार्कर खरीदेंगे नहीं, और इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई तो डिस्ट्रॉय होने के बाद में नुकसान किसको, इंडियन को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन पब्लिक को, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ वो रुक जाएगी, तो सब तरफ नुकसान ही नुकसान है। तब गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक काम करो ये जो मार्कर है इनको नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया जाए। बोले उससे क्या होगा, बोले ये गुड्स जो है एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं इंडिया में बना करके बट इंपोर्ट अलाउ नहीं है, इनका इंपोर्ट अलाउ नहीं है। अब इधर देखना एक इंटरेस्टिंग चीज, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर किया, मान लेते हैं 1 जुलाई 2017 को, कब 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर किया मार्कर को, बोले मार्कर को इंपोर्ट नहीं करेगा, बट उस वक्त मेरे पास ऑलरेडी मार्कर थे या ऑर्डर दे चुका था मैं, तो मेरे पास ऑलरेडी मार्कर है, जैसे 3 मार्कर है मेरे पास में, ये ऑलरेडी है मेरे पास में, अब क्या किया जाए इनका, ये तो है। अब कल को ये मार्कर सेल नहीं होते, मेरे गोडाउन में पड़े हैं, और अगस्त या सितंबर में कस्टम ऑफिसर की रेड पड़ती है मेरे गोडाउन में, वो बोलते हैं 3 मार्कर कहां से आए, ये तो स्मगलिंग की आपने, मैं उनको बोलता हूं नहीं सर ये तो पहले के ही है मेरे पास में है, ये ऑलरेडी पुराने मार्कर है, जब ये नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर नहीं हुआ तब से पड़े हैं। वो बोलेंगे हम कैसे मान लें, सीधा उंगली उठाई जाएगी मुझ जैसे शरीफ आदमी की ईमानदारी पर। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, जिस दिन मार्कर को नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर किया जाएगा, डिक्लेयर करते विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा
कस्टम ऑफिसर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को कि मेरे पास तीन मार्कर हैं अभी भी, जब आपने इसको नोटिफाइड यूज डिक्लेयर कर दिया तो ऑलरेडी मेरे पास तीन मार्कर है। तो उन्होंने बोला ओके, अब मुझे वो बोलेंगे इन तीनों मार्कर को कहां रखते हो, उस जगह का एड्रेस और डिटेल दो, और जब भी ये मार्कर इंडिया में किसी को सेल करो तो वो आप हमारे को पहले इंटीमेट करोगे, ये इंटीमेट नहीं भी करते हो तो इनवॉइस इशू करके सेल करोगे, और इस इनवॉइस की पूरी डिटेल आप अपने रिकॉर्ड आप अपने पास में रखोगे, किसको बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची और कितने में बेची। मैंने कहा ओके सर। ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि कल को ये भाई साहब है मिस्टर वाई ये आते हैं मेरे पास में, ये आकर के मुझे बोलते मार्कर खरीदना, मैंने इनको मार्कर बेच दिया, और मैंने अगर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा तो मैं एक मार्कर स्मगलिंग से मंगवा लूंगा और डिपार्टमेंट बोलूंगा जी ये तो पहले भी तीन थे अभी भी तीन ही है, जबकि एक ऑलरेडी सेल कर चुका हूं, या फिर उनके वहां पर रेड पड़ेगी मिस्टर वाई के वहां पर, बोले ये मार्कर कहां से आया, वो बोलेंगे मैंने महेश गोड से खरीदा, और हो सकता है कि मैंने उसे बेचा ही नहीं हो कोई मार्कर, तो वो मुझसे कंफर्म करेंगे, मैं बोलूंगा सर मेरे पास तीन मार्कर है, मैंने सेल ही नहीं किया, पूछे उसके पास सेल्स इनवॉइस है क्या, तो वो भी फंस गया। अब यहां पर क्या बोलते हैं कि उसको भी गवर्नमेंट ने बोला तू जिससे माल खरीदेगा उसका रिकॉर्ड तू रखेगा पूरा और इनवॉइस लेगा, और महेश गौड़ तुम जिसको ये माल बेचोगे उनका पूरा रिकॉर्ड तुम रखोगे और उनको इनवॉइस इशू करोगे। इवन मैं अगर अपने फैक्ट्री से किसी और जगह पे मार्कर को शिफ्ट कर रहा हूं उसके लिए भी मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा कि मेरे इस गोडाउन से माल उस गोडाउन में शिफ्ट हो रहा है। समझ में आया? ओके हाँ। अगर मैं मार्कर अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवा रहा हूं, सेल करना मेरा पर्पस नहीं है, तो जब सेल ही नहीं करूंगा तो इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, तो अलाउ है, बट ये बर्डन मेरे पे आएगा। अगर कोई मार्कर मैंने इंपोर्ट किए तो ये मेरे पे बर्डन है कि मैं प्रूफ करूं कि वो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवा रहा हूं और उसको इंडिया में कहीं पे भी सेल नहीं करूंगा मैं। अगर प्रूफ कर दिया तो अलाउ है, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, बट ये बर्डन किस पे, इंपोर्टर पर, मतलब मुझ पे होगा, डिपार्टमेंट पे नहीं है प्रूफ करने का बर्डन, मुझ पे होगा कि मैं साबित करूं कि उसको मैं किस पर्पस के लिए यूज करूंगा, खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज करूंगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं क्या, नोटिफाइड गुड्स। तो नोटिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड गुड्स के प्रोविजन करीब करीब मिलते जुलते ही है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, या नेक्स्ट यू कह सकते हैं डेफिनेशन ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट की समझने तक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक शिप मुंबई पोर्ट पे आ रहा है, मैं मुंबई में हूं, मुंबई पोर्ट का कस्टम ऑफिसर हूं, मुंबई पोर्ट पे एक शिप आ रहा है, ओके। उस शिप में एक तो ये है, ओके, नेक्स्ट शिप में एक ये गुड्स है, दो गुड्स, उसके अलावा शिप में एक और गुड्स है, ये वाला गुड्स, तीन, उसके अलावा शिप में ये वाला गुड्स है, चार, ये वाला गुड्स है, पांच, ये पांच गुड्स शिप के अंदर रखे हुए, ये मानते हैं हम, ओके। अब हुआ क्या, इन पांच में से शिप जो है मुंबई के बाद सीधा निकलेगा कहां पर, श्रीलंका के लिए, शिप आया ऑस्ट्रेलिया से, उसमें ये वाला माल है जो श्रीलंका जाएगा, ये गुड्स श्रीलंका जाएगा, बराबर है, ये वाला जो गुड्स है इसको ऑस्ट्रेलिया भेजना, तो ये तो शिप में रहेगा, श्रीलंका जाने वाला है, इसको ऑस्ट्रेलिया भेजना है, बट शिप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता है, तो गुड्स मुंबई पोर्ट पे उतारा जाएगा, मुंबई से दूसरा शिप है जो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कौन सा, ये देखो पीछे शिप दिख रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाला शिप है, और इस साइड में जो शिप है ये, इस साइड में शिप, वो यूके से आया है इंडिया, यूके से आया है इंडिया, और ये वाला शिप ऑस्ट्रेलिया जाएगा, और इस गुड्स को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, शिप यूके से आया, और ये सारा माल यूके से आए हुए शिप में रखा हुआ है, और यूके से जो शिप आया है वो मुंबई के बाद श्रीलंका जाएगा। तो इधर देखना, ये गुड्स तो शिप के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये श्रीलंका जाएगा, इसको उतारा नहीं जाएगा, खाली चेक कर लिया जाएगा IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, उसमें ये मेंशन है या नहीं है, याद आ रहा मूवी के अंदर हर्ष कचालिया सर ने राज को बोला कि भाई IGM से मैंने चेक कर लिया, IGM लेकर के हर्ष कचालिया गए थे, मिस्टर हर्ष कचालिया ने IGM से पूरा चेक किया था, उसके बाद में राज ने उस गुड्स को अनलोड करवाया था। तो इधर देखो, ये शिप के अंदर है या नहीं IGM में देख लिया जाएगा, इसको इंडिया में अनलोड नहीं करेंगे, ये पोर्ट पर अनलोड नहीं होगा, शिप में रहेगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिट गुड्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट गुड्स। ये गुड्स मुंबई पोर्ट पर उतरेगा और इसको ऑस्ट्रेलिया जाने वाले शिप में रखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ट्रांसशिपमेंट गुड्स वो होता है जो पोर्ट पे अनलोड होगा, बट
विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहीं और भेजा जाएगा। दूसरा एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, इसको चेन्नई भेजना है, कहां भेजना है, चेन्नई। तो दोनों गुड्स अगर मैंने मुंबई पोर्ट पे उतारे हैं, ये चेन्नई जाएगा मतलब विद इन इंडिया कहीं और ये आउटसाइड इंडिया जाएगा, बट उतारे कहां जाएंगे, मुंबई पोर्ट पे। इनको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट गुड्स, जो अनलोड तो होंगे पोर्ट पर, बट उस पोर्ट पे अनलोड होने के बाद विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहीं और भेजे जाएंगे, बराबर है। और ये जो बॉटल है इसको चेन्नई भेजना है, बट शिप जो है मुंबई से सीधा श्रीलंका चला जाएगा, चेन्नई नहीं जाएगा, तो इसको मुंबई पोर्ट पर अनलोड किया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया भेजना है, इसको भी मुंबई पोर्ट पर अनलोड किया जाएगा। ये दोनों ट्रांसशिपमेंट गुड्स कहलाते हैं। ट्रांसशिपमेंट गुड्स वो होते हैं जो पोर्ट पर अनलोड होते हैं, बट वहां से विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहीं और भेजे जाते हैं, वो ट्रांसशिपमेंट है। इनके प्रोविजन हम ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये जो गुड्स है, ये गुड्स, इस गुड्स को मुंबई पोर्ट पे अनलोड किया गया है और इस पर ड्यूटी पे की गई है, ये इंपोर्टेड गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंपोर्टेड गुड्स। इस पर ड्यूटी पे करेंगे और ड्यूटी पे करने के बाद ये डोमेस्टिक गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एक ही एग्जांपल में हमने ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट और इंपोर्टेड गुड्स ले लिया है। अब आते हैं कोस्टल गुड्स क्या होता है। कोस्टल गुड्स होता है वो गुड्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ या डोमेस्टिक गुड्स है। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो डोमेस्टिक गुड्स है। सर डोमेस्टिक गुड्स कैसे होते हैं, अरे भाई कोई भी गुड्स फॉरेन से आपने मंगवाया, इंपोर्ट किया मुंबई पोर्ट पे, उस पर आपने ड्यूटी पे कर दी, ड्यूटी पे करने के बाद तो डोमेस्टिक गुड्स कहलाएगा। तो कोई भी डोमेस्टिक गुड्स, चाहे वो इंडिया में बना हो या फॉरेन से इंपोर्ट करके ड्यूटी पे कर दियो, उसी गुड्स को अगर विद इन इंडिया कहीं भेजा जा रहा है थ्रू सी रूट, समुद्र, ये समुद्र दिख रहा है, सी रूट, थ्रू सी रूट अगर विद इन इंडिया कहीं भेज रहे हो, लैंड रूट की बात नहीं कर रहा भाई, एयर की बात नहीं कर रहा हूं, थ्रू सी रूट जब विद इन इंडिया जाएगा, जैसे मुंबई से चेन्नई भेजा थ्रू सी रूट विद इन इंडिया, ये समुद्र दिख रहा है इसके रास्ते से, उसको कोस्टल गुड्स बोलते हैं। तो कोई भी डोमेस्टिक गुड थ्रू सी रूट अगर विद इन इंडिया कहीं जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपके कोस्टल गुड्स, क्या बोला जाएगा, कोस्टल गुड्स। तो ये देखो ट्रांजिट गुड्स सेक्शन 52-54 ये हम पढ़ेंगे ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट चैप्टर में। नीचे ट्रांसशिपमेंट गुड्स है वो भी हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक है कोस्टल गुड्स, ये हम पढ़ेंगे बैगेज वाले चैप्टर के साथ में, बराबर डिटेल में। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन एक बार देख लो। उसके बाद में एक एम अंबालाल करके कंपनी का केस है, नीचे आपके सेलेक्टेड केस लॉज। आपको बता दूं मैं आपको जो मेरी बुक रेफर कर रहे हैं, जितने भी केस लॉज ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में है, ग्रीन कलर के बैकग्राउंड, देखो आप बुक में बताता हूं मैं आपको, सॉरी नॉट ग्रीन, ग्रे कलर के बैकग्राउंड में, ये देखो ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। तो जितने भी केस लॉज ग्रे कलर के बैकग्राउंड में है वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ करके जानना है। ये सब आपका सिलेक्टेड केस लॉज जो होते हैं आईसीआई के वो और सीएस इंस्टीट्यूट के जो सिलेक्टेड केस लॉज है उनमें से है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ करके जाने आपको एग्जाम में। ओके, जरा केस को डिस्कस करते हैं। एम अंबालाल एंड कंपनी का केस है। एम अंबालाल एंड कंपनी के इस केस में क्या हुआ था देखना। रफ डायमंड इंपोर्ट करता था इंपोर्टर, बट उसके पास लाइसेंस नहीं था। अब जब रफ डायमंड आप इंपोर्ट करते हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बिना लाइसेंस के इंपोर्ट करोगे तो वो इलीगल गुड्स माना जाएगा। इन शॉर्ट यू बोल सकते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स है। डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया, कस्टम ऑफिसर ने पकड़ने के बाद बोला कि इस पर पेनल्टी इंपोज होगी और इसको ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। बट एम अंबालाल एंड कंपनी ने बोला कि ड्यूटी पे हम नहीं करेंगे क्योंकि रफ डायमंड एग्जम्प्ट होता है इंडिया में जब इंपोर्ट होता है। तब उन्होंने बोला कि वो एग्जम्पशन इंपोर्टेड गुड्स पे मिलती है। तो बोले ये भी तो इंपोर्ट ही हुआ। बोले नहीं, ये इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, ये इलीगल गुड्स की डेफिनेशन मारा है क्योंकि बिना लाइसेंस के आपने इंपोर्ट किया है और इलीगल गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स नहीं माना जाता है। और जो रफ डायमंड पे एग्जम्पशन मिलती है वो तभी मिलती है जब गुड्स इंपोर्टेड गुड्स हो। तो यहां पर वो इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, इलीगल गुड्स की डेफिनेशन में है क्योंकि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है एक्ट के अंदर। तो बोला गया इस वजह से जो रफ डायमंड इंपोर्ट किया गया वो इंपोर्टेड गुड्स ना होकर के इलीगल गुड्स है और उस पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, साथ में पेनल्टी भी और ड्यूटी इंपोज हुई। समझा। नाउ अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेक्शन 3 की पेज नंबर 7 पे, कस्टम्स ऑफिसर। अब कस्टम्स ऑफिसर क्या होता है, इधर देखना। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, देन कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, बराबर, और उनके अलावा अदर ऑफिसर्स। सर ये अदर ऑफिसर्स क्या होते हैं,
अदर ऑफिसर्स में काफी सारे ऑफिसर्स को कवर किया गया है यहाँ पर, जिनको कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ये सब लोग अपॉइंट कर सकते हैं। सर एक्चुअली ये अदर ऑफिसर्स होते कौन है और इनको अपॉइंट क्यों किया जाता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, कुछ गुड्स इम्पोर्ट हुआ है, वो केमिकल है, क्या है, केमिकल है। इम्पोर्ट होने के बाद में मैंने उनको बोला कि भाई साहब ये कौन सा केमिकल है, इम्पोर्टर से पूछा। उसने बोला सर ये मेडिसिन बनाने के काम में आने वाला केमिकल है, और जो केमिकल उन्होंने बताया उस पर ड्यूटी चार्ज होती है 10% से, लेकिन रियल में वो केमिकल कोई और है, कुछ दूसरा केमिकल है जिस पर ड्यूटी चार्ज होती है 30% के रेट से, बराबर। बट उन्होंने क्या बोला, ये केमिकल ए है, जबकि वो केमिकल बी था, और केमिकल बी पे ड्यूटी चार्ज होती है 30% के रेट से, बट उन्होंने ए बोला। अब मैं कस्टम ऑफिसर हूं, मैं थोड़ी बता सकता हूं कि वो केमिकल कौन सा है, मेरे लिए तो सफेद पाउडर और चूना एक जैसा ही लगेगा, मुझे कस्टम्स के प्रोविजन की नॉलेज है। तब यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जामिनर अपॉइंट करते हैं जो उस केमिकल की रिसर्च करेंगे, देख करके बताएंगे कि वो केमिकल है या नहीं, मतलब जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के, उनको भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या बोला जाता है, कस्टम्स ऑफिसर। क्या बोला जाता है, कस्टम्स ऑफिसर। वैल्यूएशन के लिए अलग ऑफिसर्स होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अलग ऑफिसर्स होते हैं, केमिकल डिपार्टमेंट के अलग ऑफिसर्स होते हैं, वो सब अदर ऑफिसर्स में कवर होते हैं। ओके, नाउ इसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, फॉरेन गोइंग वेसल्स। क्या होता है फॉरेन गोइंग वेसल्स इन एयरक्राफ्ट? एक्चुअली ये सिर्फ एक रीडिंग के लिए है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। कोई भी वेसल्स जो आउटसाइड इंडिया जा रहा है, फॉरेन गोइंग वेसल्स इन शॉर्ट, जैसे इंडिया से कोई शिप यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो सब क्या फॉरेन गोइंग वेसल्स, या उनका कोई शिप इंडिया में आया और अब इंडिया से बाहर जा रहा तो वो भी फॉरेन गोइंग वेसल्स, या उनकी नेवी जो फॉरेन कंट्री कोई है उनकी नेवी यहाँ पे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आई, किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने आई, बराबर, फिर यहाँ से वापस जा रहे हैं। ओके, तो जब वापस जा रहे हैं तो वो भी सब फॉरेन गोइंग वेसल्स ही कहलाएंगे। या इंडियन जो है, इंडियन ऑफिसर्स, या इंडियन ऑफिसर्स ने इंडियन पब्लिक जो फिशिंग वगैरह का काम करते हैं, जो मछुआरे वगैरह मछलियां पकड़ने जाते हैं, या ऑयल रिग्स, बराबर है, ऑयल रिग्स मतलब जो पेट्रोलियम गैस वगैरह जो समुद्र के बीच में से निकालते हैं, ओएनजीसी का प्लांट देखा होगा, रिलायंस का प्लांट देखा होगा, ये देखो पीछे फोटो, रिलायंस का ओएनजीसी का प्लांट, ये जो है ये काम जो भी करता है तो उनके लिए भी शिप बार बार यहां पर जाता रहता है, वो सब भी फॉरेन गोइंग वेसल्स के डेफिनेशन में आएंगे। सर कहां लिखा है ये देखो, फॉरेन गोइंग वेसल्स की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें थर्ड पैराग्राफ है इंक्लूड्स करके, इंक्लूड्स में क्या लिखा है, एनी नेवल वेसल्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नेवल एक्सरसाइज, यहां पे कोई प्रोग्राम या नेवल एक्सरसाइज के लिए आई और वो जा रहे हैं वो भी फॉरेन गोइंग वेसल्स कहलाएगा। सेकेंड, एनी वेसल्स एंगेज इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशन, बराबर है, आउटसाइड द टैक्स इंडियन टैक्स टेरिटोरियल वाटर, बराबर है, तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया TWI, और एनी वेसल्स और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब जो फॉरेन में जा रहा है फॉर एनी पर्पस, वो सब फॉरेन गोइंग वेसल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम्स ऑफिसर सेक्शन 4। अब कस्टम्स ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, माई बाप अपने, सर अपने माई बाप, माई बाप हमारे कस्टम्स और एक्साइज में है CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, CBEC ही अपॉइंट करता है। ये जो आप एग्जाम वगैरह देते हैं, IAS ऑफिसर वगैरह बनते हैं, कमिश्नर वगैरह, उनको किसको क्या पोस्ट पर कैसे कहां पर भेजना करना, ये सब डिसीजन यहां पर कस्टम्स और एक्साइज में CBEC लेता है। तो CBEC ही कस्टम्स ऑफिसर को अपॉइंट करता है। ओके, और CBEC के पास पावर भी है कि वो चाहे तो कमिश्नर को भी पावर दे सकता है कि उसके नीचे की रैंक के ऑफिसर को कमिश्नर खुद अपॉइंट कर ले, बराबर है, ये पावर भी CBEC के पास में है। अब देखो CBEC ये भी डिसाइड करता है कि कौन से जुरिस्डिक्शन में या कौन सा जुरिस्डिक्शन कहां पर बनाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुंबई पोर्ट का एरिया इतना एरिया होगा, बराबर है, उसके अलावा थाना जुरिस्डिक्शन इतने एरिया में कवर होगा, या इतना एरिया थाने जुरिस्डिक्शन में आएगा, इतना एरिया मुंबई जुरिस्डिक्शन में आएगा, ये सब भी CBEC डिसाइड करता है, बराबर है। तो अपॉइंट कौन करता है, CBEC। तो इधर देखो, ऑल द ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द CBEC में ऑथराइज चीफ कमिश्नर और कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर टू अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर।
तो ये जो अप्रेजर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, बराबर केमिकल एग्जामिनर वगैरह, इसलिए उनको असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर या ये चीफ कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 5, पावर क्या होती है कस्टम्स ऑफिसर की। अब यहां पे भी बड़ी प्यारी डेफिनेशन दी है, जो भी एक्ट में दी गई है सारी पावर है उनके पास में, और उसके अलावा अपने सबऑर्डिनेट्स की पावर भी यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल बस, और जनरली ये होता ही है। सेक्शन 6 है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 क्या बोलता है, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को भी गवर्नमेंट या सीबीएसई कस्टम्स ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, उनको वो पावर दे सकती है कस्टम्स ऑफिसर की, तो उनको भी कस्टम्स ऑफिसर माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, कस्टम ऑफिसर नहीं हूं मैं, कोई और जॉब करता हूं, कोई और ऑफिसर हूं, और मुझे बोला जाता है कि आपको 10 दिन के लिए कस्टम्स ऑफिसर की पावर दी जाती है, तो मैं भी कस्टम्स ऑफिसर माना जाऊंगा उस टाइम पीरियड में। ये कब होता है, जब इमरजेंसी हो जाए या कस्टम्स ऑफिसर स्ट्राइक पर चला जाए, तो कोई तो चाहिए ना जो उनका काम संभाल सके, तो इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कस्टम्स ऑफिसर्स की पावर देकर के भेज दिया जाता है वहां पर, तो वो सब भी क्या कहलाएंगे, कस्टम्स ऑफिसर कहलाएंगे। तो इधर देखो, दी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू डिस्चार्ज एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ कस्टम्स ऑफिसर फॉर एवरी पर्पस। इट मींस दी सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट फंक्शन ऑफ कस्टम्स ऑफिसर टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर एंड सच पर्सन शैल ऑल्सो बी कस्टम्स ऑफिसर फॉर ऑल द पर्पस इज ऑफ द एक्ट। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का, श्योर, 100%। तो ये जो डेफिनेशन अभी तक आपने पढ़ी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी सारी डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है ना। अब नेक्स्ट आता है आपके सेक्शन 7 डेफिनेशन में, LIC को अपॉइंट कौन करता है। अब ये LIC क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार मैं पोर्ट जो आपने वीडियो में देखा था उसको लेकर के पोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखते हैं, समझ लीजिए कि पूरा मेरे पीछे का जो पूरा पार्ट है वो पोर्ट है। क्या है, पोर्ट। ओके, क्या है, पोर्ट है, बराबर, पूरा पार्ट क्या है, पोर्ट। अब इसको जरा समझते हैं, यहां पे ध्यान से समझना। पोर्ट में ये वाला जो एरिया है यहां पर ऊपर, ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं कस्टम एरिया। जब भी शिप से माल उतरेगा, उतर करके यहां पे ले आएंगे, यहां पे कस्टोडियन होता है, उसकी कस्टडी में माल रख देते हैं। ये जो एरिया है वो कहलाता है बोर्डिंग स्टेशन। जब पैसेंजर शिप से या एयरक्राफ्ट से उतरते हैं वो सीधा यहां पे बोर्डिंग स्टेशन में आते हैं। यहां पे 2 चैनल गेट बने होते हैं, रेड चैनल गेट और ग्रीन चैनल गेट। अगर फॉरेन कंट्री से आप कोई गुड्स लेकर के आए जिन पे ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए, तो आप रेड चैनल गेट से ड्यूटी पे करके निकलेंगे, अदरवाइज ग्रीन चैनल गेट से निकलेंगे। कभी भी दिमाग में यह थॉट आता है कि नहीं, हम सामान तो फॉरेन कंट्री से माल लेकर के आए हैं, बट ज्वेलरी वगैरह लेकर के आए हैं, बट हम रेड चैनल गेट की वजह ग्रीन चैनल गेट से निकल जाते हैं, किसी को क्या पता लगेगा, पकड़े जाओगे, स्कैनिंग होगा, उस टाइम पर फंस जाओगे। बाकी का डिटेल बैगेज चैप्टर में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ये बोर्डिंग स्टेशन होता है। बोर्डिंग स्टेशन कहाँ पे बनेगा, कस्टम एरिया कहाँ पे बनेगा पोर्ट में, ये कमिश्नर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, कमिश्नर। बट ये पूरा पोर्ट जो मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा पोर्ट कहाँ पे बनेगा, ये सीबीएसई डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, बराबर है। अब कस्टम एरिया मालूम चला, बोर्डिंग स्टेशन मालूम चला, ये दोनों कहां पे होते हैं, पोर्ट में होते हैं। अब पोर्ट एयरपोर्ट इनको कौन डिसाइड, ये कहां पे बनेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, सीबीएसई डिसाइड करता है। इनके अलावा एक इनलैंड कंटेनर डेपो होता है और एयर फ्रेट स्टेशन होता है, वो क्या होता है, अब उसको समझना। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कानपुर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मिस्टर जो है दोस्त मेरे, ये कानपुर से गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट। सर, आप कानपुर से गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ये बताएंगे, मेरे स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं, आप बाय एयर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या बाय सी रूट। ओके ओके ओके, सी रूट, ठीक है, ये सी रूट के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सी रूट के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करेंगे और पोर्ट मुंबई में है जहां से गुड्स एक्सपोर्ट होगा, तो ये कानपुर से बेचारे चला करके मुंबई जाएंगे, वहां पे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, गलत हो जाएगा यार, इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। बट नहीं होने देंगे, कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इनलैंड कंटेनर डेपो बना रखे हैं बॉस आपके यहां पर। क्या बना रखे हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो। कानपुर में जो इनलैंड कंटेनर डेपो या उसके नियरेस्ट
लोकेशन पे जहां पे भी इनलैंड कंटेनर डेपो है वहां पर आप जाकर के अपना गुड्स दे दो। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है एक्सपोर्ट करने की वो इनलैंड कंटेनर डेपो में जाकर के पूरी करो। बाद में वो लोग अपने आप आपका गुड्स मुंबई पोर्ट पर भेज करके वहां से एक्सपोर्ट कर देंगे, आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर इनको बाय एयर भेजना होता तो एयर फ्रेट स्टेशन जो होगा आपके नियरेस्ट लोकेशन में वहां पर जाना, वहीं पे गुड्स हैंड ओवर करना, वहीं पे सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना और वहीं से एक्सपोर्ट कर देना। सेम वैसे ही जब गुड्स इंपोर्ट होता है मुंबई पोर्ट पे उतरेगा, इनका माल मुंबई पोर्ट पे उतरा, वहां से उस गुड्स को मुंबई पोर्ट पे उतारने के बाद कानपुर भेज दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसशिपमेंट। भेज दिया जाएगा, फिर ये यहां पे ड्यूटी पे करके उसको ले जाएंगे। बराबर है? तो इनलैंड कंटेनर डेपो एयर फ्रेट स्टेशन पोर्ट के अलावा दूसरी जगह होती है जहां पे कस्टम्स की फॉर्मेलिटीज पूरी होती है। ओके, क्योंकि हर जगह एयरपोर्ट पोर्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक और आता है लैंड कस्टम स्टेशन। जब लैंड रूट के थ्रू गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो ड्यूटी वगैरह जहां पे भी चार्ज होती है वो लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं जो बॉर्डर पे बने होते हैं। बराबर है? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बाघा बॉर्डर का, जो पंजाब में है। पाकिस्तान से अगर कोई माल इंडिया में आ रहा है तो बाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में ही, क्रॉस करते ही लैंड कस्टम स्टेशन है, वहीं पे ट्रक रुक जाते हैं, वहीं पे सारी चेकिंग होती है, वहीं पे ड्यूटी वगैरह चार्ज होती है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है, फिर माल को निकाला जाता है इंडिया के लिए। बराबर है? तो वो क्या होते हैं? लैंड कस्टम स्टेशन बोलते हैं उनको। कोस्टल पोर्ट होता है डोमेस्टिक पोर्ट। जब सी रूट के थ्रू माल इंडिया का इंडिया में भेजा जाता है तो जो पोर्ट होता है उसको बोलते हैं कोस्टल पोर्ट, जहां पे कोस्टल शिप खड़े होते हैं जो इंडिया इंडिया में घूमते हैं। एक होता है कस्टम्स पोर्ट, जो मेजर पोर्ट भी कहलाता है, जहां से शिप आउटसाइड इंडिया जाते हैं, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आते हैं। देखो ना, आप एयरपोर्ट तो आपने देखा ही होगा, एयरपोर्ट पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है। बराबर है? सेम वैसा ही एक इंटरनेशनल कस्टम्स पोर्ट, एक डोमेस्टिक कस्टम्स पोर्ट। इन शॉर्ट, डोमेस्टिक कस्टम्स पोर्ट को ही कोस्टल पोर्ट बोला जाता है और इंटरनेशनल कस्टम्स पोर्ट जो वो कस्टम्स पोर्ट कहलाता है। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? तो सेक्शन 7 जो है वो बोलता है कि इनको अपॉइंट कौन करता, किसको? कस्टम्स पोर्ट को। देखो LIC की लिखा है वहां पे, L का मतलब लैंड कस्टम स्टेशन, I का मतलब इनलैंड कंटेनर डेपो एयर फ्रेट स्टेशन, C का कोस्टल पोर्ट, दूसरा C का कस्टम्स पोर्ट एंड एयरपोर्ट। इनको कौन अपॉइंट करेगा? CBEC। बराबर है? लेकिन सेक्शन 8 बोलता है, ये सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 नीचे वाले बॉक्स में मिलेगा आपको। कस्टम एरिया, कस्टम एरिया पोर्ट में बना होता है जहां पे गुड्स को लोड अनलोड किया जाता है, वो कौन अपॉइंट करता है, कौन डिक्लेयर करता है कि कहां पे कस्टम एरिया बनेगा? कमिश्नर। और बोर्डिंग स्टेशन जो सेक्शन नंबर 10 है आपके, उसी बॉक्स के अंदर नीचे देखो लास्ट के अंदर बोर्डिंग स्टेशन लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 10, उसको कौन अपॉइंट करता है बोर्डिंग स्टेशन को? बराबर है? वो भी कमिश्नर। पोर्ट के अंदर जो भी जगह अपॉइंट करनी हो कमिश्नर अपॉइंट करता है। कमिश्नर कौन सा? कस्टम्स का कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। बराबर है? नेक्स्ट आपके आता है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 12। बराबर है? तो सेक्शन नंबर 12 जो है वो आपको खुद को पढ़ना है, वो वही है कि टैक्सेबल इवेंट वगैरह कब होते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए। अब इधर देखो एक सेक्शन नंबर 9 है वेयर हाउसिंग। सर ये कहां पर है? पेज नंबर 8 पर। ये देखो वेयर हाउसिंग स्टेशन, मिला वेयर हाउसिंग स्टेशन? ये जो वेयर हाउसिंग स्टेशन है सेक्शन 9, ये क्या होते हैं? ये आपने वीडियो में देखा होगा, ये वो एरिया होते हैं। ये कौन से एरिया होते हैं? ये वो एरिया होते हैं जहां पर बिना ड्यूटी पे के गुड्स को रख सकता है। मिस्टर अमित राजपुरोहित का गुड्स जो है वो वेयर हाउस में गया था, वेयर हाउस में रखा गया था, तो बिना ड्यूटी पे के आप वहां पे गुड्स को रख सकते हो। वो जो वेयर हाउस बने होते हैं उस एरिया को, जहां पे वेयर हाउस बनाए जाते हैं या वेयर हाउस बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वो एरिया वेयर हाउसिंग स्टेशन कहलाता है। वो एरिया क्या कहलाता है? वेयर हाउसिंग स्टेशन। तो वेयर हाउसिंग स्टेशन वो एरिया होता है जहां पे वेयर हाउस बने होते हैं और उन वेयर हाउस में बिना ड्यूटी पे के गुड्स को आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। यहीं पर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ फ्रेंड्स, अब आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, इसके बाद जो हमने वीडियो में देखा कि गुड्स इंपोर्ट करके लेके आते, वो इंपोर्ट प्रोसीजर जो है उसको हम यहां पर एक डायग्राम से समझ रहे हैं पूरा का पूरा, क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 3 में बहुत यूज होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, और आगे एक चैप्टर वेयर हाउसिंग उसमें भी काम आएगा ये। तो इधर देखो इंपोर्ट प्रोसीजर का डायग्राम, तो इधर देखना। सबसे पहले
सबसे पहले इधर देखो आप, ये शिप है जो इंडिया में एंटर हुआ इंडियन टेरिटोरियल वाटर में और पोर्ट तक आ गया। पोर्ट पे आने के बाद तीन केस आते हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट है पैसेंजर्स और बैगेज, ये सीधा उतर करके कहां चले जाएंगे, बोर्डिंग स्टेशन। मतलब ये जो पूरा एरिया ना, ये है पोर्ट, ये क्या पूरा ब्लू वाला एरिया पोर्ट है, उसमें जो बोर्डिंग स्टेशन है वहां पे पैसेंजर और बैगेज चले जाएंगे। आईजीएम वगैरह में चेक नहीं किए जाते, बिना आईजीएम चेक के इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट उसके बिना वहां पे पहुंच जाएंगे। दूसरा पेरिशेबल नेचर के गुड्स या इंपोर्ट बाय पोस्ट, वो सीधा कस्टम एरिया की तरफ रवाना हो जाएगी बिना आईजीएम चेक किए। बट अदर गुड्स जो भी है वो पहले वेरीफाई होंगे, वेरीफाई विद आईजीएम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के हेल्प से वेरीफाई किए जाएंगे एंड ग्रांट एंट्री इनवर्ड। ग्रांट एंट्री इनवर्ड का मतलब है कि कस्टम ऑफिसर ने परमिशन दे दी, ये वर्ड याद रखना, ग्रांट एंट्री इनवर्ड, कस्टम्स ऑफिसर ने परमिशन दे दी गुड्स को अनलोड करने की। तो आपने वीडियो देखा होगा उसके अंदर मैं परमिशन देता हूं कि गुड्स को अनलोड किया जाए, बराबर है, वो परमिशन के बाद में ही गुड्स अनलोड होता है। फिर आपने क्लिपिंग देखी होगी अमिताभ वगैरह गुड्स को अनलोड करके लेकर के आते हैं, बराबर है। तो एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड, ओके। नेक्स्ट पोर्ट में आ गया, ये बोर्डिंग स्टेशन है, कस्टम्स एरिया है, बराबर। कस्टम्स एरिया में आने के बाद गुड्स का वैल्यूएशन होगा, फॉरेन करेंसी में इनवॉइस बना हुआ है। देखो आपने इनवॉइस देखा होगा डॉलर में था, 10 लाख डॉलर्स, 12 लाख डॉलर्स, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा पहले। फिर कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी कंप्यूट की जाएगी, ड्यूटी के लिए रेट वगैरह कौन सी होती है ये अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। बट मैक्सिमम पीडी, पीडी मतलब पीरियड, मैक्सिमम पीरियड कस्टम एरिया में माल को रखने का होता 30 डेज। इसका मतलब 30 डेज में अगर हमने यहां से माल को नहीं निकाला तो गुड्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा, मतलब ऑक्शन में डाल देंगे वो लोग। तो यहां से गुड्स को कस्टम एरिया से निकालने के दो ऑप्शन है, पहला डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लेकर के आ जाऊं, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया मतलब इंडियन मार्केट, अपने फैक्ट्री में माल को लेकर के आ जाऊं तो यह प्रोसीजर फॉलो होगा, बराबर है। दूसरा गुड्स को वेयर हाउस में ले जाऊं, वेयर हाउसिंग स्टेशन। तो मिस्टर भावेश वाघेला जो थे उन्होंने ये वाला मेथड फॉलो किया डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लाने का, बट अमित राजपुरोहित जो थे वो पहले गुड्स को कहां लेकर के गए थे, वेयर हाउस में। ये वेयर हाउसिंग स्टेशन है, वेयर हाउसिंग स्टेशन वो जगह जहां पे वेयर हाउस बने होते हैं। तो ये देखो छोटे छोटे वेयर हाउस बने हुए हैं, इनमें कोई भी माल कब तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर्स तक, बराबर है। हाँ, चीफ कमिश्नर वगैरह चाहे तो इसकी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, बट हाल फिलहाल मैक्सिमम 1 ईयर तक। और ईओयू, एसटीपी, ईएचटीपी, ये अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट करके वेयर हाउस में रखते हैं तो उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितने भी टाइम तक रख सकते हैं जब तक वो गुड्स क्लियर नहीं हो, ये कंज्यूम नहीं हो जाए, क्योंकि वेयर हाउस में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये जो वेयर हाउस होते हैं यहाँ पे गुड्स माल बना करके यहीं से वापस एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, बराबर है, वो हम वेयर हाउसिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इधर देखो यहां पर अमित राजपुरोहित माल लेकर के आते हैं, फिर यहां से अमित राजपुरोहित वापस माल को डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में अपनी फैक्ट्री में ले आते हैं, तो वो प्रोविजन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन हम पढ़ते हैं, मिस्टर भावेश वाघेला जो कस्टम एरिया से माल को लेकर के आए थे डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में अपनी फैक्ट्री में, तो वो क्या था, इधर देखो पहला पॉइंट, फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे। पेमेंट ऑफ ड्यूटी विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर फिर ड्यूटी पे कर देंगे बिल ऑफ एंट्री फाइल करते ही। अगर 2 दिन में ड्यूटी पे नहीं की तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। अभी ये इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम है, ओके। थर्ड पॉइंट है पीओ, पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर विल मेक एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम सीए, सीए मतलब कस्टम एरिया, कस्टम एरिया से गुड्स को रिमूव करने का ऑर्डर बना देगा और फिर भावेश वाघेला यहां पे गुड्स को लेकर के आ जाएंगे। ये अमित राजपुरोहित का प्रोसीजर, मिस्टर अमित राजपुरोहित जो है उन्होंने क्या किया, वेयर हाउस में ले गए, फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस जो येलो कलर का होता है, बॉन्ड साइन करेंगे ड्यूटी 3 times। ये वीडियो में आपने सुना होगा डबल टाइम्स, बट अगर आपने नीचे लाइन देखी हो तो वहां पे 3 times लिखा हुआ आया था। जब वीडियो शूट हो रहा था, वो मूवी शूट हो रही थी, तब डबल ड्यूटी का बॉन्ड साइन होता था, बट आपके एग्जाम में अमेंडमेंट आ गया, डबल ड्यूटी की जगह ड्यूटी का अमाउंट 3x कर दिया गया, 3 times, ओके। तो ड्यूटी 3 times, पेनल्टी, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो पहले था कि पेनल्टी इफ एनी था पेनल्टी, अब इफ एनी नहीं, अब कंपल्सरी हो गया, अगर कुछ भी फ्रॉड किया आपने तो पेनल्टी कंपल्सरी लगेगी, और इंटरेस्ट और वेयर हाउसिंग चार्जेस। ये जो बॉन्ड है ये डिपार्टमेंट कब यूज करता है,
जब आप कोई फ्रॉड करते हो, वेयरहाउस में माल नहीं लगे, डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री में ले गए बिना ड्यूटी पे किए, डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तब ये बॉन्ड के सहारे से वो रिकवरी करेंगे, तो ड्यूटी का अमाउंट 3 times, बराबर है। तो बेटर है ईमानदारी से काम करो, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, नो ड्यूटी। वेयरहाउस में ले जाते वक्त कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, बट हाँ पे करना चाहो तो अलग बात है, बट कंपल्सरी नहीं है। पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर विल मेक एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम एरिया टू वेयरहाउस, कस्टम एरिया से वेयरहाउस में माल ले जाने का ऑर्डर बना देगा, क्योंकि जब तक ये ऑर्डर नहीं बनेगा तब तक कस्टोडियन जो विश्वास भाई है वो माल नहीं देंगे, जब तक उनको ऑर्डर ले जाकर के नहीं दोगे आप। अब वेयरहाउस से गुड्स को अगर आपको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया या अपनी फैक्ट्री में लाना है तो क्या प्रोसीजर होता है, फाइल एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये ग्रीन कलर का होता है, बराबर है। इसको एक्स बॉन्ड इसलिए कहते हैं, ये फाइल करने के बाद आप ड्यूटी पे करोगे, जो बॉन्ड आपने ये साइन किया था वो कैंसिल हो जाता है। सेकंड, पेमेंट ऑफ ड्यूटी विद इन 2 days, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। प्रॉपर ऑफिसर विल मेक एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस टू डीटीए, मतलब अगर मैंने ये ऑर्डर नहीं बनाया तो यहां पे वेयरहाउस कीपर जो मैडम थी ममता वीडियो के अंदर, वो गुड्स इशू ही नहीं करेगी, यहां से निकलेगा नहीं। तो इसलिए प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर बना करके देगा, उसके बाद ही गुड्स यहां से रिमूव हो पाएगा वेयरहाउस से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए। फोर्थ पॉइंट है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड इन्होंने साइन किया जब इन्होंने ड्यूटी वगैरह पे कर दी तो बॉन्ड कैंसिल कर देंगे। ये जो ड्यूटी पे करते हो 3 times नहीं होती है, वो फ्रॉड करते हैं तो ही होगी, अदरवाइज नॉर्मल ड्यूटी जो भी एप्लीकेबल होती है उस रेट से ड्यूटी पे करके गुड्स को रिमूव करो। अब ये आप कॉपी करो, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किस रेट से किया जाता है और ड्यूटी के लिए कौन सी रेट एप्लीकेबल होती है इसको, बराबर है। तो इस पूरे को एक बार आप कॉपी कर लो ये, ओके।
नाउ फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं रेट ऑफ ड्यूटी, किस रेट से ड्यूटी चार्ज होगी, और अगर इनवॉइस फॉरेन करेंसी में बना हुआ है, फॉरेन करेंसी में, तो उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये डेट्स दे रखी है, उन डेट को क्या क्या हुआ वो सब बताया है। 28 जुलाई 2016 को शिप एंटर हुआ इंडियन टेरिटोरियल वाटर में। 4 अगस्त 2016 को एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड, मतलब परमिशन मिले गुड्स को अनलोड करने की, बराबर। सॉरी, 2 सितंबर जो है, 2 सितंबर को आपने फाइल का बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस के लिए, 31 अक्टूबर फाइल एक्स पॉइंट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, मतलब वेयरहाउस से आप माल लेकर के जा रहे हो अपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, और 1 नवंबर को आपने ड्यूटी पे की है। ओके, अब इधर देखना, आरबीआई और सीबीएसई दोनों की रेट आपको क्वेश्चन में दी गई है। ये रेट है रुपीज पर डॉलर। और एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जो इनवॉइस है असेसेबल वैल्यू वो है $1,000। क्या है? $1,000। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करना, इस पर ड्यूटी भी कंप्यूट करनी है हमारे को। रेट आपको दी गई है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। मतलब शिप जब एंटर हुआ इंडियन टेरिटोरियल वाटर में, तो आरबीआई की रेट चल रही थी पर डॉलर 45 रुपीज, और सीबीएसई की रेट थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की 46। जब एंट्री नोट ग्रांटेड मिला तो ये 47 थी, ये 48 थी, फिर जब वेयरहाउस के लिए माल ले जा रहे थे ये 49, ये 50, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल के होम कंजम्पशन के लिए ये 51, ये 52, और जब ड्यूटी पे की तो ये 53, ये 54। अब आपके पास में 10 रेट्स अवेलेबल है, कौन से रेट से आप कन्वर्ट करोगे इनवॉइस को रुपीज में। ओके, दूसरा रेट ऑफ ड्यूटी भी मान लेते हैं अलग अलग है, 12%, 14%, 16%, 18%, 20%। उस गुड्स पे रेट भी अलग अलग है। एक्चुअली रेट में इतना जल्दी फ्लक्चुएशन आता नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतनी सारी रेट्स यूज किए। जनरली साल में एक बार दो बार मुश्किल से चेंज होता है रेट में। तो इधर देखो, अब आपको पहले तो ये पता करना है इन 10 में से कौन सी रेट से फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा, मतलब इनवॉइस जो फॉरेन करेंसी का है वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आपको पता लगाना है कि कौन सी रेट से ड्यूटी पे करनी है। तो सबसे पहली चीज कन्वर्जन के लिए, इधर आओ, रेट ऑफ फॉरेक्स कौन सी लेंगे, रेट डिक्लेयर्ड बाय सीबीसी, वो रेट जो सीबीसी ने डिक्लेयर कर रखी है। इसका मतलब ये तो साफ, ये तो काम की नहीं है। अब रेट 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से ही कोई होगी, बट कौन सी, एंड प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फर्स्ट टाइम। बिल ऑफ एंट्री जब पहली बार फाइल किया उस दिन जो सीबीसी की रेट थी, जरा देखते बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पे फाइल हुआ नहीं, यहाँ पे फाइल हुआ नहीं, यहाँ, अरे हाँ यहाँ पे हुआ, देखो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये नहीं बोला होम कंजम्पशन या वेयरहाउस, सॉरी बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस, बट ये नहीं बोला वेयरहाउस या होम कंजम्पशन, ये बोला फर्स्ट टाइम जब भी फाइल किया, यहाँ पे फाइल किया क्या 2 सितंबर, उस दिन सीबीसी की रेट क्या चल रही थी 50, तो ये 50 से यहाँ पे कन्वर्ट होगा रुपीज 50 पर डॉलर। तो इनवॉइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000, मीन्स असेसेबल वैल्यू 50,000 रुपीज है आपकी। ओके, अब इस पर ड्यूटी चार्ज करनी है, कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी होगी वो देखना है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब रेट 5 है तो ये क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के लिए कौन सा लोगे आप, रेट, रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। अब यहाँ पे वर्डिंग्स यूज किए होम कंजम्पशन, जब भी आपने होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को रिमूव किया, इसका मतलब वो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी हो सकता है या नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री, जो भावेश वाघेला के केस में था नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, और एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड, और एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड, विच एवर इज लेटर, जो भी डेट बात की होगी उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी। तो इधर देखते हैं, इधर आओ, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड कौन सी डेट को, 4 अगस्त, और होम कंजम्पशन के लिए आप बिल ऑफ एंट्री का फाइल कर रहे हो 31 अक्टूबर, दोनों में से विच एवर इज लेटर कौन सी बात की है 31 अक्टूबर, उस दिन
कौन सी रेट थी, 18%। तो यहां पर ये जो ड्यूटी चार्ज होगी वो होगी 18% ऑफ 50,000 ऑफ 50,000, उतनी ड्यूटी आपको पे करनी है। अब इधर देखो सर, आप भी क्या मजाक करते हो, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड ही हमेशा पहले होगा और होम कंजम्पशन हमेशा बाद में होगा? नहीं, जब कभी भी वेयरहाउस से माल जाता डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, तब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हमेशा बाद में आएगा। एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बोलते हैं, वो हमेशा लेटर रहेगा, उसमें आप एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड नहीं भी देखोगे तो चलेगा। लेकिन अगर गुड्स कस्टम एरिया से आप निकाल करके कहां ला रहे हो, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, जो भावेश वागेला लेकर के आए थे उस टाइम में, कई बार गुड्स को एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड परमिशन नहीं मिलती, आईजीएमसी शिप चेक नहीं होता, उससे पहले कई बार बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता इंपोर्टर, क्योंकि उसको मालूम है इस शिप से मेरा माल आया है और मुझे फटाफट माल लेकर के जाना, तो उस केस में बिल ऑफ एंट्री पहले भी फाइल होती है। तो कई बार बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल हो जाती है और एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड बाद में होता है। और खैर आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको तो एग्जाम में इसकी भी डेट देंगे, इसकी भी डेट देंगे, जो बाद की डेट है उस दिन की रेट आपको ले लेनी है। तो यहां पर आपके ये कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा कितना होगा, 9,000 rupees, 9,000। ओके, चलो, तो सबसे पहले इसको कॉपी करो, रेट ऑफ फॉरेक्स, रेट ऑफ ड्यूटी, ये कॉपी करने के बाद ये एग्जाम्पल कॉपी करो, बराबर है, ताकि समझ में आए। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे।